You are watching FNI News. मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहती हूँ क्या है कि अभी ये दुर्गेश पाठक जी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से एमसीडी के प्रभारी बने हैं मेरे को तो समझ नहीं आता कि इनको किस बिहाब पर इन को प्रभारी बनाया गया मैंने पहले भी आपको एक बाइट पहले भी दी थी और आपसे कहा था आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि दुर्गेश पाठक जी से कहो कि पहले एम की पढ़ाई पूरी करके आए और फिर मीडिया में आए क्योंकि बार बार अपनी है ना फालतू की बातें करके अपनी ध्वज ना पिटवाएं पहले भी इन्होंने मेरे खिलाफ़ लिखा था कि है ना एनजीओ की वो ढलाव बेच दिए अब इन्होंने कहा कि एम के स्कूल बेच दिए अरे दुर्गेश पाठक जी स्कूल कौन से बेचे हैं आज मैं आपको जानकारी दूँ कि मेरे वार्ड में नो स्कूल हैं और नो के नो चल रहे हैं आप गलती तो आप कर रहे हैं आज क्या है कि दिल्ली सरकार की वजह से आज हम इतने परेशान हो रहे हैं हमारे जो एम के स्कूल हैं जिनको हमने बनवाने के लिए काम कर च, कर रहे हैं आज उन स्कूलों का फंड आपने ना देकर हमारे स्कूल अधूरे पड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये तो करोना काल हो गया है कि जो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे नहीं वरना बच्चों की आज जब हमने ये अपने स्कूलों की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई थी तो हमने क्या किया था कि अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किए कुछ स्कूलों के बच्चे सड़क पार करके भी जा रहे हैं कुछ ब, बच्चे बहुत भीड़ भाड़ के एरिए से निकलते हुए स्कूलों में पहुँच रहे हैं और आज क्या है कि जब बच्चे स्कूलों में पहुँच रहे हैं, तो वहां पर उन बच्चों के लिए कोई ना कोई मिस एपनिंग हो सकती है इतना बुरा हाल हो रहा है और अगर केजरीवाल जी ये दिल्ली सरकार ने अगर ये एम का पैसा एजुकेशन का पैसा भी दे दिया होता तो आज हमारे स्कूल पूरे हो जाते और हमारे स्कूलों में बच्चे वापस पढ़ने लगते और आज ये हालत हो रही है वैसे तो ये कहते हैं कि आज हमारे जो दिल्ली सरकार स्कूलों के को सुधार कर रही है वर्ल्ड लेवल का सुधार कर रही है अरे वर्ल्ड लेवल का तो छोड़ो आप दिल्ली के एमसीडी के बच्चों की हालत देखो अगर वर्ल्ड स्कूल आप वर्ल्ड लेवल की बात करते हो वहाँ तो बड़े बड़े बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे पाँचवीं तक के एम के बच्चे हैं उनकी हालत तो तुमने बद से बदतर कर रखी है उनको ना तो कोई सुविधा आज हमारे एम में एजुकेशन फंड ना देकर बच्चों को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया आज उनके स्कूल पूरे नहीं हो रहे उनके स्कूलों को अधूरा रह, उनके स्कूल अधूरे रह गए हैं वो बच्चे बेचारे घर में बैठ परेशान हो रहे हैं अगर आज के करोना बिल्कुल ठीक हो जाता है और हम वापस बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो मुझे बताओ कि वो बच्चे कैसे स्कूल में जाएंगे क्योंकि जाने का तो कोई रास्ता नहीं है सारे स्कूल इतनी बुरी मतलब दिक्कत आ रही है बच्चों को भेजने में पेरेंट्स को कई बार तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि भैन जी हम कैसे बेचें बच्चों को सड़क पार करके एक टाइम में तो हम छोड़ कर आ सकते हैं दोबारा लाने की हमारे पास कोई सुविधा नहीं क्योंकि वो बच्चे सारे उन परिवारों के बच्चे होते हैं जिनकी माताएं है, घरों में काम करती है जिनकी माताएं अपना जगह जगह जाकर किसी फैक्ट्री में काम कर रही है किसी के घरों में काम कर रही है वो एक टाइम तो बच्चों को छोड़ सकते हैं, दूसरे टाइम लाने के लिए उनको बड़ी दिक्कत होती है तो इसलिए मैं यही कहूँगी केजरीवाल जी कि आप इसे दुर्गेश पाठक को रोको इसको कहो कि पहले तू भाई मीडिया में जाने से पहले एम की पढ़ाई पूरी कर और फिर मीडिया में बोल धन्यवाद